अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर जरूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। नीमा की आईज खुलती हैं तो तीन तीन बॉयज उसके बेडरूम में यान उस पे अटैक करने वाला था। फिर हमें पता चलता है कि वो मॉडर्न वर्ल्ड से क्वीन वर्ल्ड में आ गई। इन तीन बॉयज में से एक नीमा के एक्स फियांसे जैसा है जिसने नीमा का यूज करके उसकी प्रॉपर्टी हथिया ली। डैड की जान चली गई और नीमा का एक्सीडेंट हो गया तो वो उसे मारने का ऑर्डर दे देती है, पर वो तो यहाँ का डॉक्टर लियांग है जिसके साथ उसने पिछली नाइट स्पेंड की, तो ब्लश करती है। इनफैक्ट क्वीन वर्ल्ड में गर्ल्स का राज चलता है तो मिनिस्टर कहती हैं हम क्वीन के लिए ब्यूटीफुल लड़का ढूंढ लेते हैं। वो कहती है नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं। मिनिस्टर वर लाइक क्वीन को क्या हो गया, इन्हें अब लड़कों में इंटरेस्ट नहीं रहा। तो वो असिस्टेंट से पूछती है मेरे तीन हस्बैंड कैसे हैं। कहती है मुझे क्या पता, सोते तो आप उनके साथ हो। नीमा कहती है मेरा वो मतलब नहीं था, उन तीनों के नाम क्या हैं। असिस्टेंट बताती है डॉक्टर लियांग, मिनिस्टर का भांजा जुलू और यान जिसे क्वीन ने उसके घर से अगवा कर लिया था। नीमा कहती है मैंने यान के साथ कितना बुरा किया। वो कहती है ये कौन सी बड़ी बात है, आपने तो 32 को फांसी दी और 11 को जहर दिलवा दिया। नीमा बेहोश, डॉक्टर लियांग आकर कहता है मेरी महारानी आप मुझसे सेटिस्फाई नहीं हुई इसलिए मुझे मारने का ऑर्डर दिया था ना। कहती है मैंने तुम्हें माफ किया और जाने लगी थी, बट वो उसे पकड़ के बाइट करने लगता है। नीमा कहती है पगला गए हो क्या। तो कहता है तो मुझे मार दीजिए और उसे किस करने लगा था। नीमा उसका थपड़ा लगा डालती है और उसे बेड पे बांध देती है क्योंकि डॉक्टर लियांग नीमा को एक्स फियांसे की याद दिलाता है। यान को गर्ल्स बुली कर रही थी तो नीमा आकर उसे बचाती है और आजाद कर देती है, पर प्रेग्नेंट यान के साथ उसकी वाइफ बुरा बिहेव करती है जिससे यान का ब्लड निकलने लगा था। डॉक्टर बोल देती है कि बेबी ये यान में से किसी एक को बचाया जा सकता है, तो नीमा यान को बचाने को बोल देती है, पर मिनिस्टर्स बोल रहे थे कि यान को एक बार किंगडम से बाहर निकाल दिया तो वापस नहीं ला सकते। नीमा कहती है तो हम उसे मेडिकल ऑफिसर बना सकते हैं। वो कहती है पर लड़के कभी ऑफिसर या मिनिस्टर नहीं बन सकते। क्वीन कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मेरे लिए गर्ल्स और बॉयज सब सेम है। यान क्वीन को रिपे करने के लिए उसके वॉशरूम में आ जाता है। नीमा का सिर चकराने लगा था तो उसके क्लोज होने लगता है, पर उसे यान की जगह डॉक्टर लियांग दिखाई दे रहा था तो वो भागती हुई डॉक्टर लियांग की बाहों में गिर जाती है। मिनिस्टर नीमा को मेल मॉडल के पास भेज देते हैं, बट वो हैरान कि वो इतने अजीबोगरीब हैं। बट किसी के कहने पे एक मॉडल उसके ड्रिंक में कुछ मिला देता है, पर फिर बाहर में गुंडे अटैक कर देते हैं तो नीमा भागती है। डॉक्टर लियांग उसे पकड़ के छुपा लेता है। इनफैक्ट यान ने गुंडे भिजवाए थे क्योंकि जब वो किंगडम में वापस आया था गार्ड उसे बदतमीजी कर रही थी ये बोलकर कि ये क्वीन का ऑर्डर है। यूलू यान के सामने उसकी हेल्प करता है, बट रियलिटी में उसी ने गार्ड को ये सब करने को कहा था। नीमा को होश आता है तो सोचती है कौन मुझे मारना चाहता है। डॉक्टर लियांग कहता है मेरी महारानी मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा, और वो दोनों मिलकर उस मेल मॉडल की हेल्प से पता लगा लेते हैं कि गार्ड ने यान को बुली किया था इसलिए यान ने ये सब बदला लिया। यान क्वीन से माफी मांगता है और जानबूझ के उसके ऊपर गिर जाता है। उसके क्लोज होने लगा था बट वो दूर होती है। डॉक्टर बीमार था क्योंकि किसी ने उसे पॉइजन दे दिया था तो यान उसका इलाज कर ठीक कर देता है। नीमा जाने लगी थी बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है, प्लीज मेरे साथ रहो ना। रियल वर्ल्ड में भी एक्स फियांसे उसका ऐसी हाथ पकड़ लेता था तो वो रुक जाती थी, और अब भी नीमा उसके पास बैठ जाती है। जुलू को मिनिस्टर मारती है तुम्हें क्वीन से प्रेग्नेंट होना पड़ेगा वरना मैं तेरे डैड को सजा दूंगी। नर्स यान को मार रही थी तो नीमा उसे बचाती है, और डॉक्टर लियांग को बचाने के बदले उसे रॉयल डॉक्टर बनाने वाली थी, बट वो कहता है मैं इसके काबिल नहीं हूँ, मैंने डॉक्टर लियांग को पॉइजन दिया था, प्लीज मुझे सजा दो। वो हैरान, डॉक्टर लियांग कहता है तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं, तुम्हें भी गार्ड ने बुद्धू बनाया था। ये देख, नीमा कहती है मैं जेलस क्यों हो रही हूँ। तभी चंगशी की एंट्री होती है जो रियल वर्ल्ड में नीमा की लव राइवल थी और अब नीमा की स्टेप सिस्टर है। वो अपने हस्बैंड को मार रही थी, नीमा उसे रोकती है तो वो कहती है तुझे क्या, मैं अपने हस्बैंड के साथ जो मर्जी करूँ। नीमा इतना तो समझ जाती है कि जरूर रियल वर्ल्ड और इस वर्ल्ड में कोई कनेक्शन है, तभी तो वहाँ के लोगों की शक्ल यहाँ के लोगों से मैच करती है। चंगशी डॉक्टर लियांग को छेड़ रही थी और कहती है मुझे ये वाला चाहिए। नीमा उसके थपड़ा लगाती है, वो उल्टा मारने वाली थी तो उसका हाथ पकड़ कहती है यहाँ की क्वीन मैं हूँ और मेरे हस्बैंड को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। चंगशी बकबक करने लगी थी तो वो उसकी मुंडी पकड़ के पानी में घुसा डालती है, आगे से सोच समझ कर बोलना, और डॉक्टर लियांग का हाथ पकड़ के ले जाती है। क्या मैं बहुत बहादुर हूँ, वो कहता है
हाँ तभी तो मेरे दिल में रहती हो, और उसे पकड़ के किस करने लगा था। बट वो नर्वस थी तो बहाने से भाग जाती है। जब क्वीन इस वर्ल्ड से बाहर जाने का तरीका सोच रही थी, जुलू ड्रिंक लेके आता है जिसे पीते ही नीमा सो जाती है। तो जुलू से उठाकर बेड पे ले जाता है और मॉर्निंग में पूछता है कि कल रात आप मुझसे सेटिस्फाई हो गई? वो हैरान डॉक्टर लियांग ये देख लेता है। वो कहती है वैसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। बट डॉक्टर लियांग कहता है सॉरी मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया और चला जाता है। जुलू स्माइल करता है। फिर वो उसके सामने क्वीन के साथ वाली रोमांटिक नाइट की बातें कर रहा था। जेलस डॉक्टर से ग्लास टूट जाता है जो जुलू जानबूझ के अपने मार लेता है, पर क्वीन के सामने डॉक्टर का नाम लगा देता है। नीमा गुस्सा होती है तो डॉक्टर कहता है क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं, और चला जाता है। वो क्वीन से गुस्सा होकर गेट नहीं खोल रहा था। वो कहती है तुम उल्टा मुझी पे गुस्सा दिखा रहे हो। तभी डॉक्टर लियांग गेट खोल के उसे उठाकर बेड पे पटक देता है और क्लोज होने लगा था। वो उसके थपड़ा लगा देती है तो किस करने लगा था। तभी असिस्टेंट आकर बताती है कि जुलू आपके बेबी से प्रेग्नेंट है। नीमा वास लाइक मेरे इस वर्ल्ड में बच्चे होंगे, वो भी एक लड़के से पैदा होंगे। जुलू कहता है क्या हुआ क्वीन, क्या आप खुश नहीं है? वो कहती है नहीं नहीं मैं बहुत खुश हूँ, क्या नाम चाहिए तुम्हें? जुलू कहता है तो हमारे बच्चे के लिए डॉक्टर लियांग को आजाद कर दो। डॉक्टर लियांग देखता है क्वीन यान और जुलू के साथ तो वो जेलस होता है, बट वो उसे कपड़ा उड़ा के चली जाती है। चेंगशी कहती है शायद क्वीन तुझे पुराने वाले को भूलकर नए लड़कों को लाइक करने लगी है, तो क्यों ना तू मेरे पास आ जा। बट वो उसे भाव नहीं देता और क्वीन को जुलू की सच्चाई बताने जाने लगा था। बट जुलू जानबूझ के सीढ़ियों से गिर जाता है और उसका ब्लड निकलने लगा था, यानी बेबी मर गया। तो वो डॉक्टर लियांग का नाम लगा देता है कि इसने मुझे धक्का मारा। क्वीन डॉक्टर लियांग को सजा सुना देती है। इनफैक्ट अपनी मॉम मिनिस्टर के कहने पे जुलू ने प्रेगनेंसी का नाटक किया था। बट डॉक्टर लियांग को वीडियो मिल जाती है जिसमें जुलू खुद गिरा था और वो क्वीन को दिखा के खुद को इनोसेंट प्रूव कर देता है। बट वो क्वीन से गुस्सा था कि उसने उसका विश्वास नहीं किया। इनफैक्ट ये वीडियो चेंगशी ने डॉक्टर लियांग को दे दी थी। बट मिनिस्टर गुस्सा होती है कि चेंगशी ने पूरा प्लान चौपट कर दिया। वो कहती है मेरे पास एक और प्लान है। यान डॉक्टर लियांग के ड्रिंक में नशा मिला देता है और चेंगशी उसके साथ बेड पे लेट जाती है। क्वीन ये देख लेती है तो डॉक्टर लियांग को किंगडम से बाहर निकाल देती है। यान को डॉक्टर लियांग के लिए बुरा लग रहा था, पर उसे और जुलू को मजबूरी में ये सब करना पड़ रहा था। बट डॉक्टर लियांग भेस बदल के किंगडम में घुस आता है। इधर क्वीन पे चेंगशी और उसके गुंडे अटैक कर देते हैं। असिस्टेंट भी मर जाती है। वो क्वीन को मारने लगे थे तो डॉक्टर लियांग उसे बचाने आ जाता है। नीमा को एहसास हो गया था कि डॉक्टर लियांग उसे कितना लव करता है, बट वो उसे बंदी बना लेते हैं। और चेंगशी क्वीन को मारने लगी थी, पर असिस्टेंट आकर चेंगशी को मार देती है। और पता चलता है कि इस पूरे प्लान की मास्टरमाइंड असिस्टेंट है। मिनिस्टर तो बस उसकी एक चमची है। वो यान और डॉक्टर लियांग को भी पकड़ लेती है। जुलू से चाकू मारने लगा था और पता चलता है जुलू उसका बेटा है, पर वो उसे भी पकड़वा देती है और फिर एक एक कर सबको टॉर्चर करती है। सबसे पहले वो जुलू को ही मार देती है। सब रोते हैं बट जुलू मरते मरते उन दोनों से माफी मांगता है। असिस्टेंट डॉक्टर लियांग को मारने लगी थी, बट एकदम से सीन रिवर्स हो जाता है। सारे गुंडे असिस्टेंट पे ही तलवार रख देते हैं क्योंकि वो क्वीन के गार्ड्स हैं। इनफेक्ट ये डॉक्टर लियांग और क्वीन का प्लान था। असिस्टेंट क्वीन को मारने लगी थी पर यान आ जाता है। डॉक्टर लियांग असिस्टेंट को मार देता है, पर यान मरते मरते उन दोनों से माफी मांगता है तो सब रोते हैं। शाही खजाने में क्वीन को स्पेशल नेकलेस मिलता है, बट उसे याद आता है कि ऐसा तो उसके डैड ने भी उसे दिया था मॉडर्न वर्ल्ड में। तभी डॉक्टर लियांग बेहोश हो जाता है। नीमा उसकी केयर करती है और वो सो गई थी, बट जैसे उसकी आईज खुलती हैं वो वहाँ नहीं था, तो भाग के चाह उसे हक कर लेती है। डॉक्टर लियांग उसे किस करने लगा था तो नीमा उसे सब बता देती है कि मेरा मॉडर्न वर्ल्ड में एक्सीडेंट हो गया था, तब मैं इस वर्ल्ड में आ गई। फिर वो दोनों खुशी खुशी साथ में रहने लगते हैं। क्वीन किंगडम में गर्ल्स बॉयज को सेम राइट्स दे देती है। जब वो दोनों रात में विश मांग रहे थे तभी नीमा गायब हो जाती है। इधर रियल वर्ल्ड में चेंशु से मारने वाली थी, बट नीमा की मामा चाहती हैं। इनफैक्ट नीमा बहुत टाइम से कोमा में थी और अब होश में आती है। एक्स फियांसे चेंशी के साथ शादी अनाउंस कर देता है क्योंकि चेंशी के डैड और उसने मिलकर नीमा के डैड को मारा था, तो वो बदला लेने चाहती है पर पकड़ी जाती है। एक्स फियांसे कहता है मैं इसे सजा दूंगा और रूम में ले जाके उसे मारने का नाटक करता है और उसे नोट दे जाता है कि तुम्हारे डैड अभी जिंदा हैं। चेंशी और एक्स फियांसे की एंगेजमेंट होने वाली थी,
बट तभी वो सबको चेंशी के डैड के खिलाफ प्रूफ दिखा देता है कि वो गलत तरीके से सबकी कंपनी हथियाते हैं तो उन्हें पकड़ लिया जाता है। और नीमा के डैड भी आ जाते हैं क्योंकि एक्स फियांसे ने ये सब नीमा के डैड के कहने पे किया था। डैड नीमा को फियांसे से शादी करने को कहते हैं बट वो मना करती है क्योंकि वो डॉक्टर लियांग से प्यार करती है और फियांसे का थैंक यू करने चाहती है, पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। वो कहता है, क्यों मेरी महारानी, आप मुझसे सेटिस्फाई नहीं हुई? नीमा हैरान। इनफैक्ट जब नीमा का एक्सीडेंट हुआ था तो वो भगा हुआ उसके पास गया, बट नीमा का नेकलेस देख वो बेहोश हो गया था और वो भी इतने टाइम से कोमा में ही था, यानी एक्स फियांसे ही डॉक्टर लियांग है। तो वो उसे हक्कर लेती है बट फिर गुस्सा करती है कि तुमने मुझे पहले सब क्यों नहीं बताया, और गेट बंद कर लेती है। वो माफी मांगता है तो गेट खोल कहती है, तुम्हारी महारानी का ऑर्डर है, आज मुझे सेटिस्फाई करना होगा। ही वाज लाइक, आपका हुक्म सराखों पे महारानी, और उसे किस करने लगा था। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे एक न्यू स्टोरी के साथ।